आप सभी का सबसे पहले ऑनलाइन पब्लिकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि होली का त्यौहार जो है वो नजदीक आ रहा है, सबसे पहले जानते हैं कि होली और आयुर्वेद का आपस में क्या रिलेशन है। हिरण्यकश्यप की स्टोरी तो हम सभी को पता होगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट कभी सोचा है कि होली इसी टाइम में यानी फाल्गुन के मास में ही क्यों सेलिब्रेट की जाती है? होली सेलिब्रेट करने का तरीका यही क्यों है? रंगों का त्यौहार इसे क्यों कहा जाता है? रंग एग्जैक्टली क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं होली में? सेकेंडली, ठंडई हम क्यों सेवन करते हैं? ठंडई सेवन करना का क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में? इसके अलावा होलिका दहन के टाइम पे उसका फेरा हम क्यों लेते हैं? उसके साइंटिफिक रीजंस क्या है? चलिए तो हम जानते हैं एक बाइक। जो बेसिकली होली है वो वसंत ऋतु में आती है। वसंत ऋतु यानी कि कफ प्रकुपित काल, ठीक है? तो शिशिर ऋतु जो होता है उस टाइम पे कफ जो है वो संचय होता है, यानी कि कलेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं, और वसंत ऋतु में वो प्रकुपित होता है, दैट इज बढ़ा हुआ होता है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की उसको जरूरत होती है। इस टाइम पीरियड में अगर हमने नोटिस किया होगा तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा कंप्लेन एक ही चीज की देते हैं कि हाँ, हमें बहुत ज्यादा थकान लग रही है, बॉडी बहुत सुस्त सुस्त लगती है। बहुत सारे लोग सर्दी से भी ग्रस्त रहते हैं, बहुत सारे लोगों को बॉडी जो है ऐसे गर्म सी लगती है, दैट इज टेम्परेचर वगैरह लगता है। तो ये इसके पीछे का रीजन यही होता है क्योंकि उनकी बॉडी में जो कफ दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है? तो कफ दोष को कम करने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो वसंत ऋतु में कही गई है, जिसका पालन हमें करना होता है। तो वसंत ऋतु में सबसे पहले क्या कहा गया है कि कफ दोष को कम करने के लिए हमें व्यायाम का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उपटन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वृक्ष पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अग्नि मंद होने की वजह से हमें दीपन पाचन चीजों का भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि ये कैसे होता है। तो वसंत ऋतु में होली का सेलिब्रेशन होता है क्योंकि वसंत के स्टार्ट या मिड में ही होली जो है हर साल बढ़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम होलिका दहन करते हैं, दैट इज अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हम जो एनवायरमेंट है उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं बहुत सारी इसकी वजह से, ठीक है? अग्नि की वजह से, अग्नि के अंदर जितनी भी चीजें यूज की जाती है होलिका दहन के, उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो प्यूरिफाई होता है, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे की सारे मरने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि हम ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसके लिए ये करना जरूरी होता है। सेकेंडली, जब हम उस अग्नि का फेरा ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को जो है वो ताप लगता है, दैट इज वो अग्नि लगती है डायरेक्टली बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो कम होने लगता है। सेकेंडली, उस अग्नि की वजह से जो कफ है हमारी बॉडी में वो निकलने में एलिमिनेट होने में हेल्प आउट करता है। तो ये रीजन है कि होलिका दहन के वक्त हम होलिका के जो है फेरे लगाते हैं, ठीक है? फिर सेकेंडली आता है उपटन। उपटन हम यूज क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि हाँ, बस स्किन बचानी है, होली के कलर से बचना है, इसके लिए? नहीं, वो चीजें जो है वो रिचुअल्स में इसलिए कन्वर्ट की जाती है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सको, एंथुसियास्टली फॉलो कर सको। उपटन जो होते हैं वो वृक्ष होते हैं, अगेन वृक्ष जो चीज होती है वो कफ का कम करने का काम करती है। जब उपटन शरीर में घसा जाता है या लगाया जाता है तो वो वापस से कफ दोष को जो है नियंत्रित रखने में हेल्प आउट करती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो कफ को एलिमिनेट कर पाती है, ठीक है? तो इसके लिए हम उपटन का यूज करते हैं होली के पहले, ना केवल स्किन को बचाने के लिए बट स्किन में जो एनहांस हुआ हुआ कफ है, कफ दोष को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा, कि हम इस टाइम पे अभ्यंग भी करते हैं। अभ्यंग हमें बहुत बार ऐसा कहा जाता है, मम्मी हमेशा बचपन में कहती है कि अच्छे से तेल रगड़ रगड़ के लगा लो क्योंकि कलर्स जो है वो तुम्हारे बदन में नहीं लगने चाहिए। कलर्स तो सिंथेटिक अब आए हैं, पहले सिंथेटिक कलर्स यूज नहीं होते थे। पहले अभ्यंग करने के पीछे का भी रीजन यही होता था कि शरीर को उसकी वजह से गर्मी प्राप्त हो सके, ताकि कफ जो प्रकोपित हुआ है वो इजिली बॉडी से निकाला जा सके, ठीक है? तो ये हो गई उपटन और अभ्यंग की बात। थर्ड आते हैं हम ठंडई पे, कि ठंडई का सेवन क्यों किया जाता है? इस टाइम पीरियड में मोस्टली क्या होता है कि अग्नि जो होती है वो मंद होती है, ठीक है? क्योंकि अगेन ऋतु संधि का काल चल रहा होता है, अगेन वापस ठंडी से एकदम गर्मी में हम जा रहे होते हैं, तो इस वजह से तो जो ठंडई होती है, ठंडई के अंदर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि सौंफ हो गया, काली मिर्च हो गई, जो कि दीपन पाचन का काम करते हैं, जो ब्लॉटिंग गैसेस ऐसे सारी जो कंप्लेन्स दे रहे होते हैं लोग, उनकी ब्लॉटिंग गैसेस वगैरह को, यानी कि जो पेट की समस्याएं हैं उनको कम करने का काम करती है, ठीक है? तो इस तरीके से ठंडई जो है बॉडी में जो दीपन पाचन का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर यूज किए जाने वाले जो ड्राई फ्रूट्स है,
फिर दूध है वो बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो बहुत ज्यादा थके हुए से है उनकी बॉडी को एनहांस करने का, एनर्जी देने का काम करता है। फिर इसके बाद आते हैं हम रंगों पे। अब रंगों का त्योहार है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है रंग, कि रंग इसी टाइम पीरियड में क्यों यूज करते हैं, कभी सोचा है आपने? तो उसका बेसिक आंसर ये है कि कफ बहुत ज्यादा जब प्रकोपित हो जाता है तो हर एक चीज ऐसे ठंडी सी लगने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है एक ही जगह बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है, बदन में बहुत ज्यादा सुस्ती सुस्ती सी लगती है, हम बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कलर्स को अपने सामने देखते हैं तो मूड एकदम से रिफ्रेश होने लगता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, ये कलर्स जो है वो स्पेसिफिकली एक एक महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है वो येलो कलर को डिफाइन करता है, अग्नि जो है वो रेड कलर को डिफाइन करती है, वायु जो है वो ग्रीन कलर को डिफाइन करती है, आकाश जो है वो लाइट ब्लू कलर को डिफाइन करता है, और जल जो है वो डार्क ब्लू कलर को डिफाइन करती है। तो इस तरीके से ये एक एक कलर जो है एक एक पंच महाभूत पे एक्ट करते हैं, और जब पंच महाभूत पे ये एक्ट करते हैं तो इसी तरीके से आपके अंदर जो प्रेजेंट 7 चक्र हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। जब ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगती है, मूड जो है वो रिफ्रेश होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो रंग है वो इस टाइम पीरियड में इस तरीके से काम आते हैं, आपके मूड को एनहांस करने का काम तो करते ही है, ये आपके बॉडी के जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, उसको भी हेल्प आउट करते हैं वापस से प्रोमिनेंट होने के लिए, ताकि आप कोई भी चीज जो है वो इजीली टैकल कर सको, आप कोई भी व्याधि से भी इजीली लड़ सको। इसके अलावा जो पहले के कलर्स होते थे वो काफी ही नेचुरल कलर्स होते थे, आज के जमाने में हम सिंथेटिक कलर्स यूज करते हैं। तो पहले जो कलर्स होते थे वो नीम से बनाए जाते थे, वो ग्रीन येलो कलर के लिए हम टर्मरिक यूज करते थे, तो इस तरीके से कलर्स बनाए जाते थे जो कि काफी ज्यादा नेचुरल होते थे। तो ये जब कलर्स हम बॉडी पे लगाते थे तो उससे क्या होता था कि बॉडी का जो सेल्स है वो एक्टिवेट होता था, वो और ज्यादा रिजेनरेट होता था, इसके अलावा जो स्किन डिजीजेस वगैरह थी वो भी कम हो जाती। तो इसलिए हम कलर्स यूज करते थे जो कि पहले बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते थे और बहुत लिमिटेड होते थे। ठीक है, फिर थर्डली जब हम इन कलर्स को खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या होता है कि एक्सरसाइज में थोड़े से ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि होली जो है वो आधे या 15 मिनट के लिए नहीं खेली जाती, लोग दिन दिन भर उसको खेलते रहते हैं। तो ये दिन दिन भर खेलने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस तरीके से बॉडी की जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। वसंत ऋतु में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको व्यायाम की सबसे जरूरत होती है, क्योंकि व्यायाम की ही वजह से कफ दोष जो है वो अच्छी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए हेल्प आउट करता है। तो हम व्यायाम करते हैं बेसिकली होली खेलने के बाद। ठीक है, फिर इसके अलावा जो पहले की इसमें हम स्नान करते थे, दैट इज जो पानी वगैरह छिड़काव किया जाता था वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट ही यूज किए जाते थे, स्पेशली टेसू यानी कि पलाश के फूल यूज किए जाते थे। पलाश के फूल कफ को वापस कम करने का काम करते हैं, इसके अलावा वो स्किन रिलेटेड जितनी भी व्याधि होती है उस पे भी हेल्प आउट करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो इस तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती थी, इस तरीके से होली और आयुर्वेद का रिलेशन है। होली इज बेसिकली ऑल अबाउट वसंत ऋतु, कि किस तरीके से वसंत ऋतु आ चुका है और आपको बताया जाता है कि आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। वसंत ऋतु में स्पेसिफिकली वृक्ष और जो लघु आहार होता है उसी का सेवन किया जाता है, इसलिए अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि होलिका दहन के समय हम जो आहार उसमें अर्पित करते हैं वो भी वृक्ष और लघु ही होता है, जैसे लावा हो गया। तो वो सिर्फ अर्पित करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि अब इस टाइम पीरियड में आपको इन्हीं आहार का सेवन करना है ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे, आप आने वाले काल को अच्छी तरीके से फेस कर सको और व्याधियों से दूर रहो। तो वसंत ऋतु का पालन करने के हिसाब से वसंत ऋतु को अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में अडाप्ट होना चाहिए, आपके दिनचर्या को ऋतुचर्या को किस तरीके से मिलाया जाए, इसलिए होली सेलिब्रेट की जाती है। ये है होली का इम्पोर्टेंस। मैं आशा करती हूँ आपकी होली सुख भरी रहेगी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।